मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, कल से आप हाय हाय, हाय 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 हाय, सरकार मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, सप्लाई यूनियन जिंदाबाद। अज सेक्टर 17 प्लाजा पे चंडीगढ़ के सारे पत्रकार पुजे ने। अज प्लाजा पे गेड़िया लाने की थान साढ़े सम्मान जो मुलाजम भैन के भरा आए ने, सुचैन खहरा जी की अगवाई है। अज बजुर्ग लीडर सज्जन सिंह ते रणबीर ढिल्लों जिन्हों तुसीं 70 साल के जिन्हों का नाम सुन रहे जी, वो आए ने साडे सामने। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू खड़े ने साडे सामने। सीनियर अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया खड़े ने और साडे सामने कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ भी खड़े ने। और इस तरह मैं किदा किदा ना लवा, कहन का मतलब है किसानों ने, किसानों की आवाज ने लगता कोई इदा का जादू कर दिता है, साडे अंदरों साडी इंसानियत जगा दिती है। और खास करके मैं पत्रकार भाईचारे की जो गल करा, अही कोई लोहे दे नहीं बने, पत्रकार लक्कड़ दे नहीं बने, असी भी हड्डियां मास के लहू दे बने हैं। पहलो असी लिख के लोगों की आवाज तुहाडे कोल पहुंचाउने हैं, अपने शब्दों राही आवाज तुहाडे कोल पहुंचाउने हैं। ते जदों सानू लगे भी साडी कलम ते साडी आवाज नूं भी नहीं सुनिया जा रहा, ते फिर असी सड़कां ते आके भी जिहड़ी सरकार लोगों की गल नहीं सुनती उन्हें सुनाउण दा जतन करते हैं। मैं किसानी की गल करांगा। भारत सरकार ने 3 खेती बिल पास किए, किसानों ने तरला मारिया, ये बिल सानू मार देंगे, इन्हां नू वापस ले लो। किसान पंजाब दी सड़कों पर बैठे, पंजाब दी रेल पटड़िया पर बैठे, कुछ नहीं सुनिया गया। और सारे पंजाब की और हिंदुस्तान के किसानों की आवाज़ को कतल करके खेती कानून पास कर दिते। फिर बलबीर सिंह राजेवाल ने, जगमोहन सिंह ने, रुलदू सिंह ने, इस तरह उन्होंने लीडर हरिंदर लखोवाल ने, डॉक्टर दर्शन पाल ने, सारे लीडर ने अपील दलील कीतियां ये कानूनों नाल सानू ना मारो। पर मोदी सरकार कहती असी ते ठेका लै लिया किसानों नू मारन दा। किसानों ने कहा जे कानून वापस नहीं लोगे 26 नवंबर तो दिल्ली जावांगे। तुसीं देखो लोकां दीआं वोटां नाल चुनिया सरकारां, ये लोकतंत्र है। किसान कहिंदे 26 नूं दिल्ली जावांगे, भारत सरकार कहिंदी 3 दिसंबर नूं तुहानूं मीटिंग दा समां दिंदे आ। लड़त इहो जिहियां सरकारां नूं चाहीदा है। कहिंदे किसानों 24 नवंबर नूं आओ, दिल्ली क्यों आ रहे जे तुसीं गल कर ली आओ। पर नहीं, किसान 26 दिसंबर तों लै के 2 दिसंबर तक सड़कां ते बैठे रहे, 3 दिसंबर नू मीटिंग बुलाई। मीटिंग च यही कहिंदे रहे तुसीं बेसमझदे किसानों, साडी गल समझो। नहीं मनी गल, फिर 5 दिसंबर नू मीटिंग होई। और मैं जिहड़ी गल दसनी चाहुंदा, 5 दिसंबर नू मीटिंग विच जदों बेसिक्का रह गई ते भारत सरकार दे बहुत ही कहिंदे सियाणे ने मंत्री, वह कहिंदे दोबारा मीटिंग करांगे। कदों करांगे? 9 दिसंबर नू।
8 दिसंबर तो पहले नहीं, 8 दिसंबर नूं किसानां ने भारत बंद दा सद्दा दित्ता। सरकार पंजाब दे किसानां दी नहीं, भारत दे किसानां दी नहीं, प्रजा दा टेस्ट लै रही है अज्ज वी। पहले देखदे आ भारत दे लोकां च किन्ना क तंत है। उस तो बाद 9 दिसंबर नूं मीटिंग करांगे। सो जिहड़ी सरकार प्रजा की प्रीख्या लवे, जिहड़ी सरकार प्रजा का टेस्ट लवे, तुसीं आप ही सोच लो वह सरकार किहो जी होवेगी। सिंघू बॉर्डर से साढ़े सारे पत्रकार भाईचारे गए गया, मैं भी कल गया सी। जे किसे दा चित करे जरूर जायो, ये असल दुनिया देखनी है। सिंघू बॉर्डर से चले जायो। पहलों कहते सी मिनी पंजाब है, हुण मिनी भारत बन गया। हरेक स्टेट का हरेक वर्ग का व्यक्ति उत्थे घूम रहा और किसानों के पैरों से नतमस्तक हो रहा। वो किसान जिन्होंने ट्रालिया नू अपना घर बना लिया, वो किसान ये ट्रालिया भर गया, ट्रालिया के थले सौ के नज़ारे ला रहे हैं, कहते परवाह ही कोई नहीं। वो योजे लोगों जे भारत सरकार सड़कों से कई दिन रोले तो मैं समझ रहा योजी सरकार लगे जे ना ही हो चंगा। मैं बहुत ही कुछ कहना चाहता, साढ़े छोटे जे सदे से सब तो वक्त मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी भैन और अनिल गुप्ता जी ने। ट्रिब्यून इंपलाई यूनियन के प्रमुख लीडर ने इन्हों की